ये कथा पद्म पुराण से है, परंतु ये केवल कथा नहीं है, ये गूढ़तम रहस्य है। ये तो भक्ति का, लीला का सागर है, ये ध्यान मंत्र है। ये संपूर्ण कथा ही ध्यान मंत्र है। वैसे तो इस कथा को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, परंतु जब विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम को मैंने पढ़ा, समझने की मैंने चेष्टा करी, प्रयत्न किया, तब जब मैं पुनः इस कथा पर आया, तब जाकर के इस कथा के मर्म को, इसके रहस्य को मैं समझ पाया कदाचित। और इस ही कारण मैं इस वीडियो में बहुत ही कम, ना के समान सपोर्टिंग वीडियोस और इमेजेस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मेरा प्रयत्न यही है कि जो अनुभव मैंने किया, जिस शांति का मेरे मन में एक तरह का प्रादुर्भाव हुआ, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, यदि भगवत कृपा हुई तो वही अनुभव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रयत्न यही है कि आपको भी वो शांति, वो अद्भुत अनुभव प्राप्त हो सके। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप भी एक अन्य दिव्य लोक में पहुंच जाएंगे। ये कथा आरंभ होती है यमुना से। यमुना जी के तट पर एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे। अनायास ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, मुझे कृपा करके अपना गूढ़तम रहस्य बताएं। मैं जानना चाहता हूं वो रहस्य जो परमपिता ब्रह्मदेव को भी नहीं पता है, कदाचित महादेव को भी नहीं पता है। ऐसा कुछ रहस्य आप मुझे बताइए अपने बारे में। मुझे जानना है कि वो परम लोक कौन सा है जहां पर आपका जो दिव्य स्वरूप है वो विराजमान है। कौन वो लोग हैं, कौन वो गोपीजन हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, जिनके साथ आप विहार करते हैं। मुझे वो सभी बातें भी बताइए जो मैं अभी आपसे पूछ नहीं सका हूं। मुझे आपका एक एक रहस्य जानना है। ये सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अर्जुन, क्यों जानना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो वो रहस्य जो ब्रह्मदेव और महादेव को भी कदाचित नहीं पता होगा, वो रहस्य जो सिद्धों को भी नहीं पता, योगी जनों को भी नहीं पता, उसे यदि तुमने नहीं जाना तो क्या ही कमी आ जाएगी तुम्हारे जीवन में, क्यों जानना चाहते हो। जब अर्जुन ने यह सुना तो उनका मुंह थोड़ा सा उतर गया, वे थोड़े से क्षोभ में चले गए। उनके मन में एक विचार आया कि क्या ही मैंने प्राप्त कर लिया उस भीषण महायुद्ध में विजय प्राप्त करके, क्या ही मैंने प्राप्त कर लिया उस युद्ध में श्री कृष्ण को अपना सारथी बना करके, यदि मैं भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्य को नहीं समझ पाया। ये मेरे सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं, परंतु फिर भी यदि मैं इनके रहस्य को नहीं जान पाया अपने इस जीवन में, तब तो ये जीवन ही मेरा व्यर्थ है। ऐसे भाव अर्जुन के मन में आ रहे थे। श्री कृष्ण ने, लीलाधर ने उनके मन के विचारों को पढ़ लिया और फिर कहा, अर्जुन, मैं उस रहस्य को तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे मन में उस रहस्य के बारे में जानने का कौतूहल और अधिक बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में बात करने से क्या लाभ, मैं तुम्हें उस रहस्य को दिखा ही देता हूं। जब अर्जुन ने यह सुना तो एकाएक उनका पूरा शरीर कांपने लगा, वे भाव विभोर हो गए, बहुत उत्साहित हो गए। श्री कृष्ण ने बताया कि एक स्थान पर जाओ, वहां पर जाकर तुम्हें
एक देवी के दर्शन होंगे। ये देवी संपूर्ण जगत की जननी है। ये देवी त्रिपुरा सुंदरी है, ललिता है, राज राजेश्वरी है, यही षोडशी है। इन्हीं के श्वास से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जब ये श्वास को पुनः भीतर लेती हैं तो ब्रह्मांड इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं के आदेश पर चलते हैं और यदि इनकी आज्ञा नहीं होगी तो मैं भी तुम्हें उस परम लोक के दर्शन नहीं करा सकता। तो जाओ, उन देवी भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आज्ञा लेकर आओ। भगवान की कृपा से कुछ ही क्षणों में अर्जुन एक दिव्य स्थान पर पहुंचे। सामने देखा तो एक कल्प वृक्ष था। उस वृक्ष पर अलौकिक पुष्प खिले हुए थे। वो पुष्प, वो फूल धरती के ही फूलों के समान प्रतीत होते थे, परंतु ऐसा लग रहा था कि वे पुष्प नहीं, रत्न हो, मणियां हो। हर ओर अद्भुत से प्रतीत होने वाले पक्षी निर्भय होकर के, निडर होकर के चहुं ओर घूम रहे थे, कौतूहल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने एक मंदिर है। अर्जुन उस मंदिर में प्रवेश करे। जब वे भीतर गए तब सामने रत्नों से जड़ा हुआ एक सिंहासन देखा। उस सिंहासन पर एक अत्यंत यौवन युक्त देवी विराजमान थी। उन देवी का मुखमंडल बाल सूर्य, जो प्रातः काल का सूर्य होता है, उसकी आभा सा दैदीप्यमान था, चमक रहा था। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कमल का पुष्प अभी अभी खिला हो। उनके चरणों में इस प्रकार की किरणें थीं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य सभी देवता जन, उनके जो मुकुटमणि होते हैं उनसे जो किरणें निकलती हैं वे उनके उस पाद को, उनके उन चरणों को प्रणाम कर रही हो। ऐसी अद्भुत सूर्य की समान कांतिवान वो देवी मुस्कुरा रही थी। उनके चार हाथ थे। चारों हाथों में धनुष, बाण, पाश इत्यादि अस्त्र शस्त्र थे। कई देवियां उनके आसपास उनको, उनकी सेवा कर रही थी। ऐसी ये देवी उस अद्भुत से सिंहासन पर विराजमान हो अर्जुन को देखती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अर्जुन थोड़ा और आगे बढ़े, उनको प्रणाम किया और फिर अर्जुन ने कहा, देवी मैं अर्जुन हूं। इतना ही कहा था अर्जुन ने कि देवी ने कहा, क्योंकि देवी समझ गई कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है इस पर कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह है, अनुकंपा है, कृपा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमने क्या ऐसा दुर्लभ पुण्य किया है, क्या तुमने ऐसा दान दे दिया है किसी भी व्यक्ति को अपने धरती पर कि तुम्हें कृपा निधान करुणा सागर भगवान श्री कृष्ण ने इस पात्र समझा कि तुम्हें इस स्थान का पता दे दिया। ये स्थान तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सिद्धों के सिद्ध यदि कोई योगी हैं वे भी इस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या तुमने ऐसा कार्य किया होगा अर्जुन कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें इस स्थान पर आने का सुपात्र माना। फिर देवी ने कहा,
बाहर एक सरोवर है, उसका नाम है कूलकुंड। वहां पर जाकर के तुम स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी। देवी की आज्ञा प्राप्त कर अर्जुन उनके द्वारा बताए हुए उस सरोवर में उतरे, स्नान किया। पुनः वे आए भगवती त्रिपुरा सुंदरी के पास। फिर देवी ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें अति गुह्य बाला विद्या प्रदान कर रही हूं, ये लक्ष्य जाप इसका तुम्हें करना होगा। फिर देवी ने अर्जुन को अंगन्यास, करन्यास, विभिन्न प्रकार की विधियां बताई और फिर कहा, यदि तुम इन्हें कर पाए और मैं तुमसे प्रसन्न हुई, तब मैं तुम्हें पुनः दर्शन दूंगी और फिर मैं तुम्हें उस परम स्थान तक ले जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। अर्जुन ने देवी की द्वारा बताई हुई उस बाला विद्या का लक्ष्य जाप किया, सभी प्रकार की विधियों को भली भांति उनका अनुसरण किया। जब ऐसा किया तब देवी अपने पूर्ण रूप में पुनः प्रकट हुई और फिर अर्जुन को कहा, पार्थ मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मैं समझ पाई हूं कि भगवान श्री कृष्ण की तुम पर अनुकंपा क्यों है। उन्होंने कहा एक और इशारा करते हुए कि उस घर से प्रवेश करके तुम एक स्थान पर जाओ, वहां पर तुम्हें तुम्हारा जिससे कल्याण होगा वो स्थान प्राप्त हो जाएगा। तभी वहां पर देवी की एक सहचरी, एक सेविका आई। वे अर्जुन को लेकर के उस घर में, देवी के द्वारा बताए गए उस घर में प्रवेश कर गए। दोनों उस घर से होते हुए एक अलौकिक स्थान पर पहुंच गए। सहस्त्रों मणियों से ये संपूर्ण स्थान चमक रहा था। ये स्थान था गोलोक के ऊपर स्थित वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम वायु के ऊपर स्थित था, वायु के ऊपर, परंतु फिर भी स्थिर था। वहां पर पहुंचकर अर्जुन ने जो देखा वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें झरझर करके आंसू बहाने लगे, उनका संपूर्ण शरीर इस प्रकार से कांप रहा था जैसे कोई बालक अपने माता के गर्भ से अभी अभी निकला हो, एक विभिन्न से स्थान पर पहुंच गया था। उनके मन में सहस्त्रों प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। तब वो जो सेविका थी उन्होंने कहा कि यहां पर एक सरोवर है, वहां पर आप स्नान करके आओ और फिर जब आप वहां पर स्नान करेंगे, इसी सरोवर में स्नान करते हुए आपको वो सभी विशेष बातें ज्ञात होंगी जो इस स्थान में बहुत ही अद्भुत है। ये वो बातें हैं जो सिद्धों के सिद्ध, यदि कोई है, कोई परम योगी है, वे भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने वैसा ही किया। अब यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा और ध्यान से सुनना होगा, बहुत ही अद्भुत सा रहस्य आने वाला है। अर्जुन जैसे ही उस सरोवर में प्रवेश करे और फिर जब वे बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि उनका जो शरीर है वो बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, क्योंकि अब वे अर्जुन नहीं रहे, अब वे अर्जुनी बन गए, वे एक गोपी बन गए, अत्यंत सुंदर, अत्यंत कांतिवान, इतनी सुंदर सी वे एक स्त्री बन गए जो सहस्त्रों काम देवों के धनुषों को भी लज्जित कर दे। परंतु एक और बात हुई, अब इस अर्जुनी को अपने पूर्व जन्म जो था, पूर्व शरीर था, उसकी एक भी बात ज्ञात नहीं थी। वे खड़ी खड़ी यही सोचती रही कि मैं यहां कैसे आ गई,
मैं कौन हूं। तभी उन्हें कुछ धनिया सुनाई दी। उन्होंने देखा उस ओर, तब कुछ गोपियां हंसती हुई उस ओर आईं और उन्होंने पूछा, उन गोपियों ने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? तब अर्जुन ने कहा, मैं कौन हूं यह तो मुझे भी नहीं पता, केवल इतना ज्ञात है कि कोई एक देवी थी उधर, उन्होंने कहा इस सरोवर में स्नान करो, मैंने किया और जब मैं बाहर आई तब मुझे कुछ याद नहीं है, आप ही बताएं मैं कौन हूं, ये कौन सा स्थान है जो इतना दिव्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होगा। तब वे गोपियां मुस्कुराईं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक और स्थान पर लेकर जाती हूं। ऐसा कहकर के उन गोपियों में से एक गोपी अर्जुनी को एक स्थान पर लेकर गई। वहां पर उन्होंने कहा कि आप एक और सरोवर में स्नान करके आई है। अब आप देखेंगे कि यहां तक आते आते कथा में अर्जुन तीन बार तीन अलग अलग सरोवरों में स्नान कर चुके हैं। जब अर्जुनी ने उस सरोवर में स्नान किया उसके बाद वे पुनः गोपियों के पास आईं, तब एक गोपी ने उन्हें देवी राधा का एक मंत्र दिया और कहा कि आप इस मंत्र का जाप करें, यदि त्रिभुवन सुंदरी भगवती राधा प्रसन्न हुई तब वे ही आपको आपके उस मनोरथ को पूर्ण करने में आपकी सहायता कर सकती है। अर्जुनी ने वैसा ही किया, देवी राधा का वो विशेष गुप्त मंत्र का जाप उन्होंने किया। कुछ ही समय में त्रिभुवन सुंदरी माधुर्य से युक्त भगवती देवी श्री राधा वहां पर प्रकट हुई। उन्होंने अर्जुनी को उठाया और कहा कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम पर श्री कृष्ण की अनुकंपा हुई है, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मनोरथ क्या है, मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूं, ये मंत्र तुम्हें श्री कृष्ण तक पहुंचाएगा। तब देवी राधा ने अर्जुनी को एक और मंत्र दिया, एक और बार तप करने के लिए कहा, एक और बार साधना करने के लिए कहा। अर्जुनी ने श्री कृष्ण का वो गुह्यतम मंत्र का जाप किया। कितनी बार अर्जुन अब विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप कर चुके थे, उन्होंने देवी राधा के द्वारा बताया हुआ वो श्री कृष्ण का अति गोपनीय मंत्र लक्ष बार जपा। जब ऐसा हुआ तब श्री कृष्ण ने अपनी एक गोपी से कहा कि अर्जुनी को यहां ले आ। जब अर्जुनी श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जो है वे सहस्त्रों सूर्यों के समान चमक रहे हैं, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, उन्होंने वनमाला धारण कर रखी है, उनके कुंडलों में भ्रमर जो है वे बैठे हुए हैं, उनकी मुस्कान आपको सहस्त्रों वर्षों में करे गए सहस्त्रों वर्षों के लिए करे गए तपों का जो फल होता है उससे भी कहीं अधिक बढ़कर जो शांति जो सुख प्राप्त होता है वो सुख भगवान श्री कृष्ण की उस मुस्कान में अर्जुनी को प्राप्त हो रहा था। अर्जुनी लज्जित भी हो रही थी, मन में कुछ विचित्र से अद्भुत से अलौकिक से भाव उत्पन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर उनकी आभा को जानकर अर्जुनी लज्जित हुए जा रही थी।
वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी, श्री कृष्ण को देखना चाहती थी परंतु लज्जा के कारण देख भी नहीं पा रही थी। अपनी पलकों को उठाती थी, पुनः नीचे करती थी। श्री कृष्ण उन्हें एकटक देखे जा रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे। फिर श्री कृष्ण उठे, अर्जुनी के पास गए और अर्जुनी को अपने उस प्रांगण में लेकर गए, अपने उस उद्यान में लेकर गए जहां वे गोपियों के साथ लीला किया करते थे, प्रेम लीला, रास लीला किया करते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुनी को वो परम सुख प्रदान किया जिसके लिए योगी मोक्ष नहीं कामना करते हैं। वे पुनः बारंबार जन्म की कामना करते हैं ताकि श्री कृष्ण का वो सानिध्य उन्हें प्राप्त हो सके। वैसा स्नेह, वैसी प्रीति श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान करी। और फिर अपनी एक गोपी शारदा, जिनका नाम था, उनसे कहा कि अर्जुनी को एक बार पुनः, एक बार और एक सरोवर में स्नान करा लाओ। अर्जुनी को शारदा लेकर के गई, सरोवर में स्नान कराया। जब सरोवर से अर्जुनी बाहर आई तब अर्जुनी पुनः अर्जुन थी। अर्जुन उस रूप में आकर क्षुब्ध हो गए, थोड़े से दुखी हो गए, क्योंकि वो जो सान्निध्य था उससे वे परे हो गए थे, उससे वे अब अलग हो गए थे। सामने देखा श्री कृष्ण को, झरझर करके आंसू बहने लगे, शरीर जैसे छूट सा गया था। वे निढाल हो गए, उस लीला में वे इस प्रकार से लुप्त हो गए थे कि उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं था। तब कृष्ण ने अर्जुन को उठाया, पकड़ा और कहा, अर्जुन तुम मेरे प्रियतम सखा हो। वो रहस्य जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है, जो सिद्धों को भी नहीं पता है, सबसे उच्चतम जो योगी है उनको भी जो रहस्य नहीं पता है, वो रहस्य मैंने तुम्हें बताया है। इसी कारण हे पार्थ, मैं तुम्हें पुनः कहता हूं, दुखी नहीं हो, रो नहीं, तुम ही मेरे प्रियतम सखा। दोस्तों, ये कथा यहीं पर ही अंत होती है, परंतु इस कथा में बहुत सारे रहस्य हैं। ये जो विभिन्न सरोवर हैं, ये अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक कुंड है। एक एक में प्रवेश करके अर्जुन धर्म, अर्थ, काम इनसे परे हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए। गोपी वल्लभ, राधा वल्लभ के उन्होंने ना केवल दर्शन करे, उनकी प्रीति भी अर्जुन ने प्राप्त करी। ये कथा बारंबार सुनने योग्य है, इसी कारण भले ही मेरी वाणी में कुछ त्रुटि हो गई हो, मैं उस प्रकार से कदाचित वर्णन नहीं कर पाया हूं, परंतु मेरे भावों से, मेरी वाणी में जो जहां जहां भी मैं रुका वहां से कदाचित आपको वो भाव आपने भी शायद ग्रहण किया हो, समझ पाए हो, जिस भाव से मैं इस कथा को कह पाया हूं। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि मैंने पहले भी प्रयत्न किया था इस कथा को सामने रखने का, परंतु कर नहीं पाया। विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम को जो पढ़ा, समझने की जो थोड़ी बहुत भी मैं चेष्टा कर पाया, उसके बाद ही भगवत कृपा से जैसा भी टूटा फूटा गलत
ये आख्यान मैं आपको बता पाया हूं, ये उन्हीं की कृपा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी। इसमें बताई गई बातों पर यदि आप विचार करेंगे तब आपको इसके अंदर और भी अधिक गूढ़ रहस्य समझ में आएंगे जो मैं नहीं कह पाया हूं। यदि ऐसा है तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि यह आख्यान कैसा लगा आपको। यदि सुंदर लगा ही है तो शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। जय श्री कृष्ण।